आई कैन स्पीक ऑल इंग्लिश एक्सेप्ट उर्दू. आई कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस एक्सेप्ट उर्दू. एक्सेप्ट उर्दू. ओके, आई कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस एक्सेप्ट उर्दू. कुछ और उदाहरण लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि जो मेरी बेटी है वो फ्रॉक छोड़ के हर प्रकार की ड्रेसेस पहन लेती है. फ्रॉक उसे बड़ी अजीब लगती है, तो फ्रॉक छोड़ के वो हर प्रकार की ड्रेसेस पहन लेती है. सो माय डॉटर, यानी उसकी लाइफ में क्या शामिल है, हर प्रकार की ड्रेस पहनना शामिल है उसकी लाइफ में, सिर्फ इसको छोड़ के, फ्रॉक को छोड़ के. माय डॉटर कैन wear all types of dresses, all types of dresses. यहां करते हैं तो एक्सेप्ट तो लिखा ही मिल जाएगा हमें. All types of dresses except frock. Have I written the right spelling of the frock? Yes. Priya will tell. Priya, yes. Is right spelling or wrong spelling? So I think it's right spelling. You think? You are not sure? Nice. You should be confident enough to tell this is wrong or right. So my daughter can wear all types of dresses. Dresses karna hai yahan par, theek hai? Dress nahi, dresses except frock. Aur example lete hain. Theek hai, let's take some more examples. Main sare games khelta hu. Theek hai, main sare games khelta hu. किसको छोड़कर? बास्केटबॉल को छोड़कर, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है तो वहां थोड़ी मुझे झिझक लगती है. उसके अलावा सारे गेम्स खेलता हूँ. आई कैन प्ले ऑल द गेम्स. नहीं, कैन प्ले नहीं, खेलता हूँ मैं अपनी क्षमता नहीं बता रहा हूँ. मैं ये बता रहा हूँ मैं सारे गेम खेलता हूँ, मेरी लाइफ में सारे गेम शामिल है. आई प्ले ऑल गेम्स एक्सेप्ट बास्केटबॉल. ठीक है, उसके लिए थोड़ी हाइट भी होती है ना बास्केटबॉल. और ऐसा जरूरी नहीं हाइट चाहिए ही चाहिए, वो तो बास्केटबॉल खेलते खेलते इतने लंबे हो जाते हैं लोग, है ना. तो जरूरी नहीं होता, इट इज नॉट नेसेसरी कि हाइट चाहिए चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उन लोगों के बीच में जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है, आई फील ऑकवर्ड. तो इसलिए मैं बास्केटबॉल छोड़ के सारे गेम्स खेलता हूँ. आई प्ले ऑल द गेम्स एक्सेप्ट बास्केटबॉल. ठीक है, अब हमने देखे चार पांच एग्जांपल्स ले लिए और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्ट का क्या यूज है. Now let's come to the next. Yes. दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं अपने सामने, this word is accept. Accept का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना. ठीक है, प्राप्त करना नहीं होता, स्वीकार करना होता है. प्राप्त करना होता है get, obtain, achieve. या accept कर रहे हो आप, कोई दे रहा है तो उसे स्वीकार कर रहे हो. और get में कोई दे ना दे, आप प्राप्त कर रहे हो उसे. ठीक है, तो स्वीकार करना मतलब मान लीजिए जैसे आप मेरे घर पे आते हैं, मेरे बर्थडे पे आते हैं और आप मेरे लिए कोई तोहफा लेके आते हैं, बुके लेके आते हैं, या फिर समझ लीजिए आप कोई ड्रेस वगैरह ले आते हैं या कोई भी छोटी मोटी चीज लाते हैं. ठीक है, तो मैंने उसे ले लिया, मैंने बड़ी खुशी से उसे लिया, तो मैंने आपके तोहफे को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया. एक्सेप्ट योर गिफ्ट, यानी जो आप गिफ्ट लेके आए हो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ. आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट. तो देखिये मैं बोल क्या रहा हूँ, पहले मैं क्या बोल रहा था, एक्सेप्ट, उसमें एक्स आ रहा था एक्सेप्ट. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट. I accept your gift. Accept. और ये क्या, accept. इसमें क का साउंड आ जाता है हल्का सा. ठीक है, accept. और इसमें क का साउंड नहीं आता, accept. सीधे सीधे accept बोल देते हैं इसको. ठीक है, I accept your gift. मैं आपके गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ तहे दिल से. ठीक है, I accept your gift with open heart. खुले दिल से मैं आपके तोहफे को स्वीकार करता हूँ. ठीक है, इस तरीके से. अच्छा, आजकल आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है वो किसानों को कुछ ना कुछ प्रस्ताव भेज रही है, है ना, कि आप हम ठीक है संशोधन कर लेंगे, हम कुछ चेंजेस कर लेंगे बिल के अंदर, ये वो ऐसे करके कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वो प्रस्ताव भेज रहे हैं. प्रस्ताव क्या होता है, प्रपोजल, है ना. लेकिन जो किसान है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. एम आई राइट, सही बोल रहा हूँ मैं? और आंदोलन खिंचता चला जा रहा है. तो कैसे बोलोगे, farmers are not accepting the proposal given by Narendra Modi's government. ठीक है, farmers are not accepting the proposal given by Narendra Modi's government. यानी farmers उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है.
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो कह रहे हैं तीनों बिल वापस लो। क्लियर हो गया ना एक्सेप्ट? अच्छा आप फेसबुक फेसबुक पे बहुत करते रहते हो ऐसा, एक्सेप्ट डिक्लाइन है ना, रिफ्यूज कर देते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो किसी की क्या आती है हमारे पास? फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, वो विनती करता है कि मेरे मित्र बन जाइए और हम उसको हट यहाँ से लात मार देते हैं, या फिर कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो वहां पर आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो आप क्या बोलोगे? आई हैव एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे? ये एक्शन है, इसमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब कुछ कर सकते हो आप। आई हैव, सर आई हैव एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? समझ में आ रही है ना अच्छे से? यस सर। हाँ, तो एग्जाम्पल जितने ज्यादा होंगे ना उतने ज्यादा बेस्ट रहेगा। पहला वाला ये था कि इस चीज को छोड़कर, लीविंग दिस, और दूसरा वाला है कि इस चीज को ले लो भाई, एक्सेप्ट कर लो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं बिल्कुल, है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम चलते हैं एक्सपेक्ट पे। तो एक्सपेक्ट क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस? आपने सुना है ना कभी कभी लोग उम्मीद कर लेते हैं, उम्मीद से ज्यादा मांग लेते हैं, या उम्मीद कर लेते हैं, या आशा कर लेते हैं किसी बात को करने की। तो वही आशा वही उम्मीद की बात होगी इसी एक्सपेक्ट में। ठीक है, यानी उम्मीद करना। छोटा मुंह बड़ी बात, ये कहां से आ गया छोटा मुंह बड़ी बात? इसका इससे क्या लेना मतलब देना? उम्मीद हद से ज्यादा, उससे उसका क्या लेना देना? छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब ये होता है कि इंसान छोटा कद काठी का है, या उसकी पोजीशन उतनी बड़ी नहीं और वो बड़ी बड़ी बातें कर दे रहा है, या एक बहुत बड़ी बात आपके सामने बोल रहा है, उसमें उम्मीद का क्या लेना देना? इट हैजंट गॉट एनीथिंग टू डू विद सर। मैंने यही समझा सर। गलत समझा आपने सर। व्हाट वी यू हैव मिसअंडरस्टूड, छोटा मुंह बड़ी बात इन इंग्लिश, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल माउथ बिग टॉक। और तो कोई भाई बनानी है इसके लिए इडियम, डिक्शनरी में तो कोई है नहीं है, मैंने सर्च किया कई बार तो क्या बोले फिर नहीं मिलता है, तो फिर या तो हम लॉजिक लेके बना लें। पर्सन इज हैविंग स्मॉल पोजीशन एंड गिविंग अ बिग स्टेटमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर सीधे सीधे ट्रांसलेट करो उसको, स्मॉल माउथ बट बिग टॉक। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है? एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, आशा करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अब देखो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ अंग्रेजी बोलने की, am I right? और मेरा हक भी बनता है कि मैं आप लोगों से उम्मीद करूँ अंग्रेजी बोलने की। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, काफी टाइम हो चुका है आपको इंग्लिश सिखाते सिखाते, अब मेरी उम्मीदें हो गई हैं कि आप लोग इंग्लिश बोले, तो अब मैं ऐसे में बोलूंगा आई एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ, देखो एक विश अलग चीज होती है, मैं चाहता हूँ कि वो ये करे, मैं चाहता हूँ ये करे, वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? उम्मीद कर रहा हूँ भाई, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ। मेरी बहुत आशाएं हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स की भी बहुत आशाएं होती है कि हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे वो करें, टीचर्स भी अपने स्टूडेंट से बहुत आशा करते हैं, तो वही समझ लीजिए आई एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई एक्सपेक्ट यू टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, आई एक्सेप्ट यू टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरीज, आई एक्सेप्ट यू टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, I expect you to be present every day. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली प्रेजेंट रहें, ठीक है, डेली उपस्थित रहें क्लास के अंदर। I expect you to write everything, whatever I make you write. मैं expect करता हूँ कि आप वो सब कुछ लिख लें जो मैं आपको लिखवाता हूँ। I expect you to revise every day. I expect you to practice every day. अच्छा, अब आप मैं आपसे क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर सेंटेंस लिखने के लिए कहूंगा, जैसे देखिए, क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको कुछ नया और खास पढ़ाऊं? डू यू एक्सपेक्ट मी टू टीच यू समथिंग न्यू एंड स्पेशल? देखिए वो यहां पर आप अपने आप कर लेंगे ना उसको, उसको अपने आप नोट कर लीजिएगा, देयर इज नो मोर स्पेस, तो वहां पर अपने आप कर लीजिएगा उसको। डू यू एक्सपेक्ट मी टू टीच यू समथिंग स्पेशल एंड न्यू, समथिंग न्यू एंड स्पेशल? आप चाहते हैं मैं आपको कुछ नया और खास पढ़ाऊं? आप बोलेंगे ऑफ कोर्स सर, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं, ठीक है, चाहते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं,
चाहते हैं तो आप लगा देंगे आई वॉन्ट यू टू टीच समथिंग न्यू एंड स्पेशल, और उम्मीद करते हैं तो आई एक्सपेक्ट यू टू टीच अस समथिंग न्यू एंड स्पेशल. ठीक है. अच्छा आप जो हमारे जो देश के पॉलिटिशियंस हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट योर पॉलिटिशियंस टू डू? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने पॉलिटिशियंस से? पूरा सेंटेंस बोल के बताना मुझे, पूरा सेंटेंस बोल के बताना. सॉरी सर. पॉलिटिशियंस से क्या उम्मीद करते हैं आप? पॉलिटिशियंस नेताओं से लीडर से I expect the politician. सचिन चौधरी ध्यान से क्लास को समझिए, आप गलत सेंटेंस बोल रहे हैं. ध्यान से सुनिए मैंने क्या लिखवाया था और मैं क्या बता रहा हूँ, गलत मत बोलिए. आई एक्सपेक्ट, उसके बाद यहाँ आएंगे पॉलिटिशियंस. ठीक है, कौन आएंगे यहाँ पर? पॉलिटिशियंस. आई एक्सपेक्ट ऑल दी पॉलिटिशियंस. To work with honesty. यही तो आप expect करते होंगे, उम्मीद आप करते हो और बता मैं रहा हूँ आपका sentence. मेरे हिसाब से तो सबकी उम्मीद यही रहती है. I expect all the politicians to work with honesty. हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे नेता राजनेता जो भी होते हैं वो सब ईमानदारी से काम करें. Am I right? सबकी यही उम्मीद रहती है. अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो समझिए सब कुछ अपने आप अच्छे से होता चला जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंस लगा सकते हैं. अब ये रही पुरानी बात जो अभी मैं आपको सिखा रहा था. एक्सपेक्ट, पुरानी बात मतलब जो कम बोले जाने वाली बात थी वो ये थी कि हमने एक्सपेक्ट का यूज सीखा. अब ज्यादा क्या बोलता है ये मैं आपको बताता हूँ. ये जो एक्सपेक्ट मैं आपको बता रहा था ना, इसकी जगह पर लोग बोलते हैं सपोज्ड टू. ये ज्यादा बोलता है. ठीक है, सपोज्ड टू. जैसे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए, एक भी चीज नहीं छूटेगी. दिवांश आप तो मेरी आदत जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, एक्स्ट्रा ही पढ़ा देता हूँ. बीच में मत टोकिए, आप भी गलत समझ लेंगे और मेरे से भी फिर कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ी हो जाएगी. डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. आप समझिए, अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो ये था आई एक्सपेक्ट You to action. जैसे speak English, ठीक है? मैंने आपको ये sentence पढ़ाया और कई सारे और examples लिए. I expect you to speak English. यानि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अंग्रेजी बोलें, right? I expect you to speak English. अब देखिए, effectively इसको कैसे बोलेंगे? Supposed to लगाते हुए. Being a student of इंग्लिश होम, जैसे ये आपकी जो कोचिंग चल रही है ऑनलाइन, इसका नाम क्या है? इंग्लिश होम. यू आर सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश. समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या लिख दिया है इसके ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए, ये अलग वर्ड है, अभी इसको सीखेंगे. Being a student of English home जो coaching है online English speaking class की, उसका student होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेजी बोलें. ये बात बड़ी जरूर है लेकिन बहुत effective है. यानी इसमें आप बिल्कुल अपने दिल से अपने मन से ये बात निकाल के कह रहे हैं कि देखिए ये चीज है और इससे मैच करती हुई ये चीज होनी चाहिए, तो आपसे उम्मीदें हैं. और सिर्फ आपसे उम्मीदें आपके सर की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया, जो जो लोग आपको जानते हैं कि आप इंग्लिश होम से कोचिंग ले रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, तो वो सभी लोग उम्मीद करने लग जाते हैं. यानी आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश बोलें. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश होम यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, अब देखिए मैं और सेंटेंस बताता हूँ, आप बोलते चले जाना. एक डॉक्टर होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है आप पेशेंट की जान बचाएं. ये देखिए मजा आएगा बोल के, देखिए सेंटेंस. बीइंग अ डॉक्टर, being a doctor, you are supposed to save the patient's life. Very good, fantastic. Being a doctor, you are supposed to save the patient's life. ठीक है, जो मरीज है उसकी लाइफ
बचाने की उम्मीद की जाती है. क्यों क्यों आपसे उम्मीद की जा रही है? क्योंकि भाई आप डॉक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर एक्टर नहीं हो आप डॉक्टर हो, इसलिए आपसे उम्मीद की जा रही है. समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एक एक अध्यापक होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को समझाएं, एक्सप्लेन करें उसे. बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू मेक योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मेक योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेल. ठीक है, बीइंग अ टीचर यू आर सपोज्ड टू मेक योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेल. ठीक है, उम्मीद की जाती है कि आप अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझाएं. ठीक है, आगे और बातें बोलते हैं और समझते हैं इनको अच्छे तरीके से. जैसे मैंने बोला कि एक अच्छा एक्टर होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छी मूवी रिलीज करें. Being a good actor, you are supposed being a good actor, you are supposed to release super hit movie. Being a good actor, you are supposed to release a super hit movie, है ना? Super hit movie. बड़े बड़े एक्टर हम यही तो उम्मीद लगाते हैं कि बड़े एक्टर की मूवी आएगी, हिट होगी, वो उसमें पैसे भी खर्च करके आते हैं फिर हम, लेकिन पता चलता है तो बिल्कुल बेकार थी, कूड़ा थी, तो बड़ा मन खराब होता है ना? तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई भी हो, हर किसी से उम्मीद रहती है किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज की. एक अच्छा बेटा होने के नाते तुमसे उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदारियां कंधे पे लो. बीइंग अ गुड सन, यू आर सपोज टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, एक अच्छी बेटी होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि मम्मी के कामों में हाथ बटाओ. बीइंग अ गुड डॉटर, यू आर सपोज टू हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक चोर्स. समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे तरीके से आप लोगों को? ठीक है, तो ये यूज था आपका सपोज टू. यानी मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेक्ट, ये जो आपके सामने है एक्सपेक्ट इसको मत लगाइए, इसको लगाइए, इसको लगाइए, आपकी मर्जी जो भी लगाइए, लेकिन सपोज टू ज्यादा चलन में है इसलिए वो भी आपको बता दिया. बाकी एक्सपेक्ट आप सीख चुके हैं, जो मर्जी आए वो लगाइए. ठीक है, लेकिन लगाइए जरूर. एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है आप अच्छे से पढ़े. बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू स्टडी वेल, यू आर सपोज टू स्टडी वेल. जी, अब लास्ट बचा हुआ है हमारा, द लास्ट इज एस्पेक्ट. ऐसे बोलते ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्के को दो तरफ से देखा जा सकता है. एवरी कॉइन हैज टू साइड एस्पेक्ट्स. ये मुहावरा होता है, एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स. ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. पहलू. एक महिला एक पुरुष को पीटने में लगी हुई थी, धुआंधार, दे थप्पड़ दे चांटे चप्पल पप्पल सब मारे आ रही. तो किसी ने सोचा ये बदमाश होगा जरूर, इसने कुछ जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा या उल्टी सीधी हरकतें की होगी, इसलिए पीट रही है. लोगों ने ऐसा सोचा. तो इस मैटर का एक पहलू तो ये नजर आता है कि इस आदमी ने कुछ गड़बड़ करी है, और दूसरा पहलू ये नजर आता है कि आदमी सीधा साधा है, महिला बड़ी तेज है, जोरू का गुलाम बना के रखा हुआ है, और देखो क्या अत्याचार कर रही है उसके ऊपर. जब तक इंसानों को रियलिटी नहीं पता चलती, प्रूफ नहीं आते सामने, तो वो अलग अलग पहलू निकाल के देखते रहते हैं. और इस बात के हाल फिलहाल दो पहलू निकल के आ रहे हैं. एक पहलू ये कि वो आदमी गड़बड़ है, और दूसरा पहलू ये कि औरत तेज है. दो पहलू आ गए. तो एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, इसी तरीके से होते हैं हर सिक्के के दो पहलू. ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? हर सिक्के के दो